हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चावल के लड्डू बनाने की रेसिपी। वैसे तो चावल के लड्डू बनाने के कई तरीके हैं, पर आज मैं आपके सामने सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिससे लड्डू आसानी से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए देखते हैं चावल के लड्डू बनाना। तो चलिए देखते हैं चावल के लड्डू बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं, ये आप कोई भी चावल ले सकते हैं, मैंने ज़्यादा महंगे चावल नहीं लिए हैं। ये 40-50 रुपए किलो चावल आते हैं वो यूज़ किए हैं मैंने। ये 1.5 कप मैंने चीनी ली है, ये ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, और ये 1 कप मैंने बारीक नारियल का बुरादा लिया है, और 2 टेबलस्पून घी। चावल के लड्डू बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं। अब हम उसमें अपने चावल डाल देते हैं और इनको मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। चावल को हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करेंगे। अगर हम इसको फुल गैस पे रोस्ट करेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, तो उससे हमें लड्डू का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको मीडियम गैस पे पकाएंगे ताकि आराम से ये रोस्ट हो जाएं अच्छे से और लड्डू भी टेस्टी बने। चावलों को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, तो इससे हमें भूनने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जितने अच्छे चावल रोस्ट होंगे हमारे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने पूरे राइस लिए हैं, आप चाहें तो राइस फ्लार भी ले सकते हैं, लेकिन राइस फ्लार में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना कि चावल में। ये देखिए, ये हमारे चावल रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर अब ब्राउन हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। ये देखिए, ये मैंने बाउल में निकाल लिए हैं, अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। जब तक हमारे चावल ठंडे होते हैं तब तक हम एक ड्राई रोस्ट कर लेते हैं काजू बादाम को। ये एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, अब इसमें हम ये काजू और बादाम डाल देते हैं। मैंने सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके अब हम इनको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। ये ऐसे रोस्ट करने के बाद इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और इसमें अब हम डालेंगे 1 कप पानी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें चाशनी गाढ़ी तैयार करनी है। चलिए, जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम राइस फ्लार को देखते हैं। तो चलिए, जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम चावल को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है। चावल को आप चाहे कितना भी ग्राइंड कर लो, हल्का सा दरदरापन तो उसमें रहेगा। अब शुरू करते हैं। ये मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। ये हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे राइस आटा। से हमने राइस को अच्छे से भुना हुआ है, लेकिन घी डाल के भुनने में उसका टेस्ट और डबल हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ी सी देर इसमें रोस्ट करेंगे घी में। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कसा हुआ नारियल। ये मैंने बाज़ार से रेडीमेड नारियल का बुरादा लिया है, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं इसको।
ये हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2-3 मिनट तक ही भूनना है। तो चलिए हम चाशनी देख लेते हैं हमारी चाशनी बनी कि नहीं। ये देखिए ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है, इसको चेक करते हैं। ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है, हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है। ये हमारा चावल और नारियल भी रोस्ट हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो गई है, तो इसमें अब हम डालेंगे चाशनी। करना नहीं, अब हम इसमें डाल देते हैं ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे। ये मैंने इनको दरदरा कूट लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे इलायची पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको गरम गरम को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद चावल सारा चाशनी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जिससे ये बहुत टाइट हो जाता है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने पे हम उसके लड्डू बनाएंगे। ध्यान रखिए हमें इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, अभी इसको थोड़ी देर हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ये हमारे मिश्रण का फाइन पेस्ट हो चुका है, अब ये हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको चावल के लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो हमारा चावल ये जो लड्डू है अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें थोड़ा सा घी मिला दें। और अगर चावल के आटे की जैसे गाँठें बन जाती हैं, जैसे कि ये है ये बन जाती हैं, तो इसके लड्डू नहीं बनते, तो ये गाँठें निकाल के एक बार आप मिक्सी में इसको ग्राइंड कर दीजिए, तो अच्छे से लड्डू बन जाता है। ये देखिए ये लड्डू बन गया है। अब इसको ऐसे हम को ये लगा के बादाम और इसको ऐसे तैयार करेंगे। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे चावल के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। चावल के लड्डू बनाते टाइम एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब हमारा चावल का आटा गरम होता है तो उसको गरम गरम में ही लड्डू बनाने हैं। अगर वो ठंडा हो जाता है तो लड्डू अच्छे से बन नहीं पाते, बनते नहीं हैं, वो एकदम से आटा खुल जाता है। चावल का आटा बहुत जल्दी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारी चाशनी थी उसको चावल का आटा बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो लड्डू नहीं बन पाते हैं। अगर गरम गरम रहता है तो ही उसके लड्डू अच्छे से बन पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका आटा ठंडा हो गया है और लड्डू अच्छे से बन नहीं रहे हैं, तो एक बार कढ़ाई फिर से गरम करें और उसमें सारा मिक्सचर डाल दें और उसको हल्का सा गरम करके और एक बार मिक्सी में से ग्राइंड कर दें, तो उससे उसका पेस्ट भी फाइन बन जाएगा और लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों ये हेल्दी लड्डू एक बार आप अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई करें। और हाँ अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।